أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على خاتم النبيين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। आज हम बात करेंगे एक बहुत अहम इशू के ऊपर। नेकी अगर कोई करे, कोई अच्छा काम करे, उसके साथ उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसके साथ खड़े होना चाहिए। खड़े ना हो सकें तो कम अज़ कम ज़ुबान से ही कह दें कि आपने अच्छा किया है। और अल्लाह तबारक व ताला ने अभी तक ज़ुबान को इस काबिल रखा है कि हम ज़ुबान से कह सकें, और तो हम कुछ नहीं कर सकते। और इसके अलावा दिल में अच्छा कहने की वाले ईमान के दर्जे पर अभी नहीं गए, तो इसलिए हम ज़ुबान से ये कह के अपना फ़र्ज़ अदा करना ज़रूरी ख्याल करते हैं। और वो बात ये है कि बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन के हवाले से पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो था वो वन साइडेड प्रोपेगंडा घुमाया जा रहा था। और उस प्रोपेगंडे की जड़ मार दिया एक शख्स ने, और अदालत के अंदर खड़े होके, मैं तो कहूँगा कि अदालत के करबला में खड़े होके उसने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली अज़ान दी है। और उसका नाम है जनाब केयर टेकर वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब। अनवारुल हक काकड़ साहब से हमें कोई एक आने का बेनिफिट नहीं हुआ, मासवा इसके कि उन्होंने दोस्तों को जब इंटरव्यू दिया तो उस पैनल के अंदर हम भी शामिल थे। ए रिकॉर्ड तो गल लड़ी चाहिए पैन, इसलिए अनवारुल हक काकड़ साहब से मेरी याद अल्लाह जो है वो कम अज़ कम 6-7-8-9 साल पुरानी है, जब मैं एक टीवी से पहले एक रेडियो चलाया करता था। और उस रेडियो के ऊपर हम जो थे वो इलेक्शन आ गए, 2013 के इलेक्शन आ गए, और 2013 के इलेक्शन के अंदर जो था, ज़ाहिर है नॉन कमर्शियल रेडियो था, तो हमने थोड़ा सा इधर उधर काम भी किया कि चलें जनाब इलेक्शन हैं तो उन दिनों में हम 2-4 पोलिटिकल फिगर्स को बुला लेते, गपशप कर लेते। जनाब हज़रत क़िबला अताउल्लाह कासमी साहब भी उसी दौर में हमारे प्रोग्राम में, हमने सोसाइटी की पर्सनैलिटीज़ को बुलाना शुरू कर दिया, दीगर पर्सनैलिटीज़ को, उनसे डिस्कशन होती है। और अताउल्लाह कासमी साहब भी हमारे प्रोग्राम को, उन्होंने रौनक बख्शी, जो हैं हमारे लिए बहुत एज़ाज़ है। मैं समझता हूँ कि चंद एक जो अच्छे इंटरव्यूज़ हैं उनके अंदर उनका शुमार होता है। और मुझे जब उन्होंने दादा कह के मुखातब किया तो मेरा मतलब है कि अपने पैसे पूरे हो गए, ठीक है। और उसके बाद जब भी वो मिले हैं तो उन्होंने दादा ही कहा है। तो बहरहाल उस वक्त मुझे कहीं से फरमाइश आई एक बहुत करीबी अजीज़ दोस्त की, जो आजकल यूथिया हो चुके हुए, उन्होंने कहा कि यार एक प्रॉमिसिंग नौजवान पॉलिटिशियन है बलूचिस्तान का, तो वो लाहौर आया हुआ है, तो आप उसका इंटरव्यू कर लें। मैंने कहा यार आप एक टीवी चैनल के ब्यूरो चीफ हैं इस वक्त, नेशनल टीवी चैनल के, तो उनके अपने किसी प्रोग्राम में फिट कर दें। उन्होंने कहा नहीं नहीं वो आपको सिफारिश। मैंने कहा चले, हम दोस्तों की सिफारिश कभी ड्रॉप नहीं करते। मैंने तो दोस्तों की सिफारिश के ऊपर बड़े बड़े गुनाहगार बख्श दिए हुए तो खैर सानू कोई अप्रोच ही नहीं करता सिफारिश के लिए ना। लेकिन जो दोस्त सिफारिश करते हैं, हमने कभी उसे डिसऑनर नहीं किया। मैंने अपनी पूरी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, मुझे पता होता था, मैं जब अखबार में काम करता था, एडिटर था, मुझे पता होता था ये इस खबर के पैसे पकड़ के आया है। लेकिन मैं उसे कहता था कि यार तेरा गुजारा हो गया है ना, ठीक है खबर लग जाएगी, ठीक है। और हम उसकी खबर छाप दिया करते थे। उसकी वजह यह है कि यार इस शहर के अंदर मुझे जानने वाले तमाम लोगों को पता है कि ये पैसे नहीं लेता। अगर इस खबर से कोई ऐसा तासुर जाएगा भी तो वो कहेगा कि यकीनन कोई मजबूरी हुई होगी जो उसने ये खबर छापी है। तो मैं इसलिए दोस्तों को अब्लाइज कर दिया करता था खुल के, नोइंग द फैक्ट कि वो उसको खबर को अपने मजमूम की है यार दिहाड़ी लाने वास्ते इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई बात नहीं यार, उस बेचारे को 6 माह से तनख्वाह नहीं मिली, अगर वो इससे अपने बच्चों का आटा ले जाएगा तो ठीक है, मैं अपनी ईमानदारी को थोड़ी सी उठा के साइड पर रख लेता हूँ, प्रोफेशनलिज्म को। ये मेरा असूल है, हो सकता है आप इससे इत्तेफाक ना करें, लेकिन ये मेरा असूल है और ये अभी तक ज़िंदगी में कायम है। हम कई लोगों के कहने के ऊपर व्लॉग कर देते हैं, हम कई दोस्तों की फरमाइश के ऊपर जो है वो इशू उठा देते हैं, लेकिन हम उनको जानते हों जो हमें वो इशू करने पर कह रहा है, ठीक है ना, हमें उसका हदूदरबा मालूम हो ना। जो हमें जानते नहीं हैं या जिनसे हम वाकफ़ नहीं हैं वो इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, हम चुप करके बैठे रहते। एनी हाउ एमी गल दरमियान में आ गई, लेकिन
जनाब अनवार अल हक काकड़ साहब जो थे वो हमारे दफ्तर में तशरीफ़ ले आए। अच्छा अनवार अल हक काकड़, अच्छा ये बलूचिस्तान से है तो यकीनन ये कोई नेशनलिज्म की बात करेगा, बलोच नेशनलिज्म, बलोचों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, उनकी गैस लाहौर इस्तेमाल करी जा रहा है, ये वो सारे इस तरह की बातें करेंगे। तो मैंने अपने माइंड के अंदर ना बड़े नोट्स वोट ले के ना तो काउंटर करने के लिए। अब जब वहाँ पर बात शुरू हुई तो पता चले कि जो मैंने नेशनलिज्म का तड़का लगाना था या उसके आर्गुमेंट को काउंटर करना था उससे कुछ 100 को मतलब कि बाबा 150-200 किलोमीटर आगे से जाके वो बात शुरू करें। मसलन मैंने कहा कि देखें ना गैस वहाँ पे प्रोवाइड होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि गैस वहाँ पे प्रोवाइड होनी चाहिए लेकिन उस गैस का बिल कौन देगा और इतनी स्कैटर्ड आबादी, यानी वो आर्गुमेंट जो कि मेरा होना चाहिए था, उन्होंने कहा वो स्कैटर्ड आबादी है तो वहाँ पे तो पाइप के ज़रिए गैस लाइन मुमकिन नहीं है, ये तो नहीं हो सकता कि आप इस्लामाबाद आएँ और देखें कि यहाँ पे पाइपलाइनों में गैस आ रही है तो आप मुतालबा कर दें कि बलूचिस्तान के देहात के अंदर भी जनाब पाइपलाइनों में गैस दी जाए। दुनिया भर के अंदर देहात में LNG के LPG के सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं, हाँ वो सिलेंडर ज़रूर सरकार को देने का अहतमाम करना चाहिए, ये वो सारा कुछ। मतलब उन्होंने मेरे से बढ़ के पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया। वो आधे घंटे का टाइम मैंने उनको दिया था लेकिन उनको भी इतना मज़ा आया और मुझे भी इतना मज़ा आया कि पहले तो हमने एक घंटा उनके साथ डिस्कशन की, तो घंटे के बाद वो उठने लगे तो मैंने कहा कुछ बातें रह नहीं गई आपके ख्याल में, उन्होंने कहा रह गई हैं। तो फिर एक घंटा हमने मज़ीद बैठ के ना गुफ्तगू की और बड़ी डिटेल के साथ, और मुझे उस प्रोग्राम का बहुत फीडबैक आया। जितने भी दोस्त अहबाब थे उन्होंने फ़ोन करके कहा कि यार इतना कमाल का आदमी आपने कहाँ से लिया। तो खैर वो फिर बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स करते रहे, बाप में चले गए, फिर वो जो भी करते रहे, लेकिन मेरा उनके साथ उसके बाद कोई रابطہ नहीं था। और ज़ाहिर है दोस्तों के रابطے थे तो इमरान शफकत साहब का رابطہ था तो उन्होंने, तो इसलिए मैं उनको इतना एक ही जानता था। फिर उनके साथ बींग ए प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इंटरेक्शन हुआ। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके उन्होंने मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में खड़े होके जिस तरह ललकारा है, उन्होंने कहा कि जी आप रियासत के ख़िलाफ़ जो एक बयानियां बना के बैठे हैं, जो वहाँ पे पंजाबियों का शनाख्ती कार्ड देख के उन्हें बसों से उतार के कत्ल किया जाता है, कभी आपने उनकी भी बात की है, उनका भी सुना है, उनकी भी बात सुन लेते हैं। वहाँ पे जो कई कई दिहाइयों से बसने वाले छोटे छोटे काम करने वाले, मतलब नाई है वो एक राजनपुर का रहने वाला है, उसने कहा मैं भी बलोच हूँ तो मैं मेरी जात के खाने में भी बलोच लिखा हुआ, तो मैं बलूचिस्तान में जाके तो ये काम करता हूँ, और वो बलूचिस्तान के किसी दूर दराज गाँव के अंदर काम कर रहा है, उसको वहाँ पर वन फाइन मॉर्निंग जो है ये दहशतगर्द BLA के ये ज़िबा कर देते हैं उसको पूरे ख़ानदान समेत, उसकी भी कभी बात कर लिया करें। फिर मेरा मतलब है कि एक टीचर है वो बेचारी 1970s के अंदर जो है वो इस जज्बे के साथ कि मैंने जाके क्वेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है वो पढ़ाने जाती है और 20-25-30 साल तक वो वहाँ पे पढ़ाती रहती है और फिर आखिर में उसको यूनिवर्सिटी के गेट के ऊपर गोली मार के कत्ल कर दिया जाता है उस लाहौर की बेटी को। तो मेरा मतलब है कि इसका भी कभी कोई तज़किरा किया है भाई, उसने जो वहां पे खड़े होके बोलती बंद की है ना जज साहब की, उसके ऊपर मेरा दिल किया कि मैं अनवार अल हक काकड़ साहब को एक अदद सलूट पेश करूं। सर कमाल कर दिया और वहां से बाहर निकल के जो जर्नलिस्टों को तोया है नहीं, जर्नलिस्ट का तो काम ही बिज़त होना होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, जर्नलिस्ट ने सवाल करना होता है, अगले ने जवाब देना होता है, लेकिन जिस धड़ल्ले के साथ उन्होंने काउंटर किया उस सवाल को और जिस मुस्तकिल मजाजी के साथ वो कैप्चर नहीं हुए, ब्लैकमेल नहीं हुए सोना लग गए सोना लग गए मैं तो इंजॉय करता हूँ भाई। भाई जर्नलिस्ट खाकसार जब रिपोर्टर थे तो तब भी यही हाल था, ठीक है ना, इसहाक डार साहब से कई दफ़ा लड़ाई हुई है अपनी और कई दफ़ा सुलह हुई है, ये मतलब ज़ाहिर हम फनास और कॉमर्स कवर करते थे और इसहाक डार साहब मिनिस्टर होते थे तो फिर हमने कोई ना कोई तुखनी उनको देनी होती थी जिस पे इसहाक डार साहब हाइपर हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर उनका हाई हो जाता है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाना PID मैनू आपस साहब लभते फिर होना, वो यार कितने की है की फसाद पा गए मैं कहना कोई गल नहीं
यार एक सवाल किया उन्होंने जवाब नहीं दिता, असं अगों काउंटर फिकर सुट के तो चुप करके बह गए, बहुत गुस्से सन। तो खैर ये है जी, अनवर अल्लाह काकड़ साहब जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत की मुस्तकबिल का चेहरा है। और बलूचिस्तान से होना, अब देखिए वो वहाँ के सरदार नहीं है, एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड के साथ जो कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई से आगे आया है, उसने इस पूरे प्रेशर के पीयर प्रेशर लिए बगैर जो रियासत पाकिस्तान का बयानिया है उसके साथ वो बंदा, मैंने आपको बताया 8 साल पहले भी उनके ख्यालात यही थे, इसलिए ख्यालात नहीं उनके ये कि वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन गए या वो कुछ सेनेटर बन गए थे, नहीं वो यही उनके ख्यालात थे, ठीक है। जब वो ये कुछ भी नहीं भी बने थे तो उनके यही ख्यालात थे, वो पाकिस्तान के कौमी बयानिए के साथ खड़ा है और मुअस्सर तरीके से वो बयानियाँ पेश भी करता है, तो ऐसे बंदे को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, क्या ख्याल है आपका। तो बहरहाल मैंने कहा कि ये व्लॉग ज़रूर करना है ताकि हम नेकी को अप्रिशिएट करने वाला, पाकिस्तानियत को अप्रिशिएट करने वाले हों, और ऐसे लोगों की बहुत कमी है इस वक्त इस मुल्क के अंदर। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के अंदर फिर हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करें।